आज हम अपने चैनल के टीजर के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से जोनर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और वन मोर थिंग, एक ग्रेट इंसान कैसे बना जाता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहला है गट्स, यानी कि हिम्मत। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में बहुत ही हमारे लाइफ में डार्क फेस आ जाता है, तो उस टाइम में अपने आप को सस्टेन कैसे करें, उस टाइम में गट्स यानी कि हिम्मत कहाँ से लाए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से बढ़ाए, अपनी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करें, वगैरह वगैरह जैसे टॉपिक हम इस पॉइंट में कवर करेंगे। और दूसरा है रिसिलियंस, यानी कि बाउंस बैक करना। कई बार आप कोई ऐसा काम करते हैं या फिर कोई ऐसी बात सोचते हैं जिसकी वजह से लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स को आप फेस कैसे कर सकते हो और उसके सॉल्यूशंस क्या है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तीसरा जो है वो है यानी कि पहल करना। कई बार हम जिंदगी से इतना डर जाते हैं कि हमसे नहीं होगा ऐसा हमें लगने लगता है, पर दोस्तों जब भी आपको वॉलंटियर करने का मौका मिले, कोई रिस्क के पीछे अपॉर्चुनिटी मिले, तो आपको इनिशिएटिव होना चाहिए, यानी कि आपको पहल कर देनी चाहिए। ये ज़िंदगी बहुत ही छोटी है, हमारे पास अर्थ में लिमिटेड टाइम है, तो सही टाइम का वेट मत करो, सही टाइम आज और अभी है। सही टाइम का वेट करने में तो हम साला खुद खर्चा हो जाएंगे। चौथा है टेंसिटी, यानी कि तब। जितने भी सक्सेसफुल पीपल हुए हैं उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ काम किया तो वो आज सक्सेसफुल हो पाए हैं, और ये धीरे धीरे कंपाउंड होता है। आपको पता है कि हम मैक्सिमम कामों में फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमारा फोकस एक काम के बजाय मल्टीपल काम पर होता है, इसलिए हम एक ही काम में फोकस नहीं कर पाते हैं और उसे कंसिस्टेंट नहीं रख पाते, उसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं। लेकिन जब हम पूरे दिल से कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहते हैं तो वो कंपाउंड होता रहता है और उससे ही हमें सक्सेस मिलती है। एंड पांचवा है हैप्पीनेस, यानी कि खुशी। जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके हिसाब से लोग खुश रहना कम कर दिया है। लोग को पता ही नहीं कि खुशी होती क्या है, हर कोई सक्सेसफुल बनने की तरफ ही काम कर रहा है, लेकिन उस सक्सेस का क्या फ़ायदा जिसमें खुशी ना हो। हम इंसान हैं, रोबोट नहीं कि सिर्फ काम ही करते रहेंगे। आजकल लोग खुश रहना भूल गए हैं, बट डोंट वरी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपकी स्माइल मेंटेन रखने के लिए। पॉइंट ऑनेस्टी, ईमानदारी। ज़िंदगी में हमें किसी का हक नहीं मारना चाहिए और किसी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी खुशी के लिए दूसरों को परेशान करना सरासर गलत बात है। और एक बात, आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं लेकिन भगवान को कभी बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। तो अब लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, लर्निंग यानी कि सीखना। दोस्तों, ज़िंदगी में लर्निंग्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दुनिया बदल रही है और दुनिया के साथ साथ हमें भी बदलना चाहिए और नए वक्त में नई नॉलेज और नए आइडियाज़ चाहिए।